जीवी, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिला दी। जीवी, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब है ना तुम्हारे साथ। अब वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिला दी। कृष्ण और बलराम, अब तुम दोनों का अंत भी निश्चित है। मुझे बहुत भय लग रहा है, बहुत भय लग रहा है मुझे। वो फिर आ जाएगा और सब पर हमला कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने उसे कहाँ देखा था? हाँ, वो मेरे कक्ष के बाहर आ गया था और मैं जैसे ही अपने प्राण बचाते हुए महाराज के कक्ष पर आई, वो मेरे पीछे आ गया। मेरी आंखों के सामने उसने उन दोनों को मार डाला। मुझे लगता है कि मैं अब अधिक दिनों तक उससे नहीं बच पाऊंगी। वो मुझे मार डालेगा। नहीं मारेगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। वैसे ये बताओ, उसकी वेशभूषा, उसका रंग रूप, वो बहुत ही भयानक था। उसका रंग रूप बहुत ही क्रूर था, भयावह। बड़े बड़े नुकीले नख, बाघ के समान शरीर, क्रूर, बहुत ही क्रूर। एक बात बताओ। हाँ? जब वो राक्षस तुम्हारा पीछा करता हुआ महाराज के कक्ष के निकट आया, तब उसने तुम पर अथवा महाराज पर आक्रमण क्यों नहीं किया? ये तो अत्यंत ही आश्चर्यजनक घटना है जीव। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। उसने आप दोनों के आने के पश्चातों को सुन लिया था और इसीलिए वो अदृश्य हो गया। हाँ, जीवी सही कह रही, उसे भी तो अपने प्राणों का भय होगा, है ना? हाँ जीवी, तुम अपने कक्ष में जाओ। और एक बात, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सुरक्षाकर्मी तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात है। जुग जुग जियो बहना, जुग जुग जियो। बहन हो तो ऐसी जो अपने भाई की पसंद के लिए अपने प्राण भी संकट में डालते। इस भाई की प्रेम के लिए तुझे सारा संसार याद रखेगा। तृप्त कर दिया तूने अपने भाई की आत्मा को। पर भाई, आज मुझे बहुत शोक है कि मैं तुझे मथुरा नरेश का मांस नहीं खिला पाई। पर हाँ भाई, मैं तुम्हें मथुरा के एक एक व्यक्ति का भुना हुआ मांस खिलाऊंगी। बस संभवतः एक का नहीं। किसका बहना? वो भाई कृष्ण का। वो बहुत प्यारा है भाई। उसके मन में मेरे प्रति बहुत दया है। बस इसीलिए मैं कृष्ण का मांस नहीं खिला सकती। नहीं जानती भाई, पर कुछ होता जा रहा है मुझे उसे देखते देखते। कृष्ण
मुझे क्या हो रहा है? ये कैसा सम्मोहन और कैसा भ्रम है? श्री कृष्ण मेरी आंखों में क्यों बसे? क्यों? ये क्या हो रहा है मुझे? जाओ। मुझे मत रोकिए, मुझे मर जाने दीजिए। जब मेरे जीवन का आधार ही नहीं बचा तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? मुझे यहाँ से जाने दीजिएगा ना। इस रास्ते साथ में संकट का कारण मैं हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे निद्रा नहीं आई। राक्षस का भय हो रहा था। श्री कृष्ण, मुझे अपने अंगपाश में ले लो। जीवी, सच कहो श्री कृष्ण, जब पहली बार तुमने मुझे अपने अंगपाश में लिया था तो वो पल मुझे बहुत ही मधुर लगा था। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि मुझे जीना है। अपने स्वामी के जाने के बाद मैं पहली बार उसी पल को जी पाई थी। मुझे लगा जीवन कितना सुंदर और मधुर है। मेरी आत्मा ने कहा कि मुझे जीना है। जीवी? हाँ? बैठो। एक बात कहो। हाँ, अवश्य कहो। तुम जो कर रही हो वो उचित नहीं कर रही हो। क्या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ? मनुष्य को अपने हर किए कर्म का फल यहीं इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। तो मैं क्या उचित नहीं कर रही हूँ? कि तुम भयभीत होकर जीवन जी रही हो। तुम्हें अपने जीवन से इस भय का त्याग करना चाहिए। साहस से जीवन जियोगी तो तुम्हें तुम्हारा जीवन और भी अत्यधिक आनंदमय और मनोरम रहेगा। एक बात कहूं? हाँ? भय क्या होता है? क्या होता है? एक भ्रम होता है जो कहीं बाहर नहीं जीव के भीतर होता है, और जीव को भय से लड़ना होता है, उसे परास्त कर उस पर विजय प्राप्त करनी होती। अर्थात? अर्थात तुम्हें उस भय से लड़ना होगा जीवी, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। मैं तो अनावश्यक ही घबरा रही थी। जाओ जीवी, जाओ, निर्भय होकर जीव, तुम्हारा तनिक भी अहित नहीं होगा, तनिक भी अमंगल नहीं होगा। जाओ। मुझे बचा लेना कृष्ण, मुझे बचा लेना, मुझे अकेला मत छोड़ना श्री कृष्ण, मुझे कुछ होने मत देना। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मेरा सहारा है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है श्री कृष्ण, मुझे अकेला मत छोड़ना। विश्वास है तो विश्वास टूटेगा नहीं।
जीवी लोभ मत कर, यदि कृष्ण ने देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। जो भी करना है उसकी आंखों से दूर, तभी संदेह से बची रहेगी। अरे इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हारा कष्ट तो उधर है। मुझे पता है द्वार पर, मुझे पता है। द्वारपाल, मुझे जीवी की बड़ी चिंता हो रही है, उस राक्षस से अत्यंत भयभीत है। हाँ बाबा, चिंता और भय से जीवन काफी कष्टदायी हो जाता है। हमारे सारे सैनिक उसके पीछे पड़े, किंतु अभी तक वो पकड़ में नहीं आया। जाने कहाँ छिपा है वो। मूर्खो, उस राक्षस को ना तो आकाश ने निगला है और ना ही धरती ने खाया है। अंधो, वो तुम लोगों के सामने है। पर्दा पड़ा है तुम बुद्धिमानों की आंखों पर, इसीलिए पहचान नहीं पा रहे हो और कभी पहचान पाओगे भी नहीं। बाबा, जैसे वो पकड़ में आ जाए तो उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। हाँ पुत्री, अवश्य मृत्यु दंड दूंगा। मूर्ख लड़की, वो राक्षस कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं हूँ। तुम लोगों की दृष्टि में भोली भाली अबला नारी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पकड़ी जाऊं। जीवी, तुम वहां क्या कर रही हो? इधर आओ। क्या हुआ, निद्रा नहीं आ रही है? भय लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसके मारने से नहीं बल्कि उसके भय से ही मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हमारा पुत्र कान्हा तुम्हारी रक्षा करेगा। निश्चिंत होकर अपने कक्ष में जाओ। जी बाबा। तारणहार श्री कृष्ण, अत्यंत ही दुखद समाचार। क्या हुआ? पुनः राजप्रसाद से कई सैनिक और दास दासियां गायब है तारणहार। कहीं किसी का भी अभी तक कुछ पता भी नहीं चल पाया, और सभी कर्मचारी बहुत ही भयभीत और तनाव में हैं। सबको आशंका है कि विद्युत प्रवाह से मारने वाला वो राक्षस अभी यहीं कहीं है। चिंता और तनाव का यह विषय तो है सेनापति, निश्चित रूप से ही यह संकट सामान्य नहीं है। जी तारणहार, सुरक्षा के लिए क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। देर है पर अंधेर नहीं। जीवी कहाँ है? जीवी वो तो अपने कक्ष में होगी। जीवी, जीवी यहाँ तो नहीं है वो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है वो? हमने उसे बाहर देखा भी नहीं तारणहार। इस समय तो उसे अपने कक्ष में ही होना चाहिए। पता कीजिए सेनापति, जीवी कहाँ है, राजप्रसाद का कोना कोना देखिए शीघ्र। जी कितना बलिष्ठ है ये बलराम, यदि इसका मांस मेरे प्रिय भाई विद्युत को आहार के रूप में मिल जाए तो कितना प्रसन्न होगा वो। मेरे प्रिय भाई, आज मैं तुझे इस बलिष्ठ बालक का मांस खिलाऊंगी।
जीवी, तुम अखाड़े में क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम जानती नहीं हो अखाड़े में महिलाओं का आना वर्जित है, और वो भी तब जब मथुरा में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मूर्ख दाऊ, जीवी मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो हम हैं जो संकट के बादल को बाहर ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ संकट। हाँ, मैं ही संकट हूँ। और अब तू बलराम, अब तू ही मेरे भाई का आहार बनेगा। हम तेरी असलियत को पहचान नहीं पाए। आप पहचान गए? और इसीलिए अब मैं तेरा अंत करूंगा। अंत करूंगा मैं। मूर्ख, अंत तो मैं तेरा करूंगी। तो जैसे बलिष्ठ को अपने भाई का आहार बनाकर। प्रकार ये हल धरती की छाती को चीर कर उसके बंजरपन को दूर कर देता है, बस उसी तरह इसकी नोक से मैं तेरे वक्ष को चीर कर तेरी क्रूरता, तेरी कुटिलता, तेरी उद्दंडता का अंत करूंगा मैं। यदि तुम्हें और मथुरा वासियों को मुझसे क्षमा दान चाहिए तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि कृष्ण को मुझसे विवाह करना होगा। विवाह तुमसे? हाँ। कौन हो तुम? मैं मृत्यु हूँ, साक्षात मृत्यु। मृत्यु के समान शक्तिशाली हूँ, निर्मम, क्रूर और वरदायिनी। अच्छा, तो आज मृत्यु अपनी मृत्यु को देखे। मत देख देवा स्वप्न बलराम, तू मुझे कदापि नहीं मार सकता, क्योंकि कठोर तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मदेव से मुझे वरदान प्राप्त है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो पुत्री। ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। क्या वर मांगना चाहती हो पुत्री? ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी जेवा में आकाशीय विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सकूं, और मैं अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी फूंक मारूं, ये आकाशीय विद्युत प्रवाह मृत शरीरों को मेरे छोटे भाई विद्युत तक पहुंचा सके। तथास्तु।